Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session we are going to discuss one more important problem on soil mechanics. So let's start with this question. Question mein kya bola gaya hai? What will be the ratio of the average permeability in the horizontal direction to that in the vertical direction? Aapko nikalna hai horizontal direction ki permeability ka vertical ke saath mein ratio kya hai, aapko ye find out karna hai. Theek hai? For a soil deposit consisting of the three horizontal layer, theek hai, to teen layers mein yahan par soil hai. ठीक है, दीज आर द थ्री लेयर्स. पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर में कुछ ना कुछ डाटा ये मेंशन कर रहा है. देखते हैं जरा क्या है. ऑफ द थ्री लेयर्स हॉरिजॉन्टल लेयर्स इफ द थिकनेस हॉरिजॉन्टल लेयर्स में था, हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनाया, एंड द परमिबिलिटी द थिकनेस एंड द परमिबिलिटी ऑफ द सेकेंड लेयर आर थ्राइज दिस ऑफ द फर्स्ट. तो थिकनेस मान लेते हैं जेड है, परमिबिलिटी मान लेते हैं के है. तो सेकेंड के लिए वो बोल रहा है कि थिकनेस भी तीन गुना है और परमिबिलिटी भी थ्री टाइम्स है. ठीक है, द थिकनेस एंड द परमिबिलिटी आर थ्री टाइम्स दोज ऑफ द फर्स्ट. अगर फर्स्ट का जेड और के है तो इनका थ्री जेड और थ्री के हो गया. और थर्ड के लिए क्या बोला गया है देखो जरा, एंड फॉर द थर्ड लेयर ट्वाइस दैट ऑफ द सेकेंड. तो सेकेंड का जितना है उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स जेड एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स के. ठीक है, अब आगे चलते हैं, सीधा सीधा जो है फोकस करते हैं इन दोनों क्वान्टिटीज पर. सबसे पहले के एच निकाल लेते हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्लास में डिराइव करवाया था मैंने, कॉन्सेप्ट सारा क्लास में दिया हुआ है. क्या कॉन्सेप्ट था, हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी वर्टिकल परमिबिलिटी डार्सीज इक्वेशन को आप बराबर करके जो है निकाल सकते हैं. ठीक है, तो के एच जो था वो आया था आपका के आई मल्टीप्लाइड बाय जेड आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ जेड आई. अपना सो कॉल्ड हलवा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो दिस इज वॉट, दिस इज इक्वल टू जेड इन टू के प्लस थ्री जेड मल्टीप्लाइड बाय थ्री के प्लस 6z मल्टीप्लाइड बाय 6k डिवाइडेड बाय टोटल z. टोटल z कितना है, z प्लस 3z प्लस 6z, तो 10z के बराबर है. यहां से आपके पास में हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी आ जाएगा एंड दिस हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 4.6k. ठीक है, इतना आ रहा है 4.6k. नाउ सी द वर्टिकल परमिबिलिटी फार्मूला. वर्टिकल परमिबिलिटी निकालना भी आता है. ठीक है, कैसे निकाला जाता है, kv इज गिवन बाय समेशन ऑफ zi डिवाइड बाय समेशन ऑफ जेड आई बाई के आई. बच्चे भूल जाते हैं इस फॉर्मूले को, यूनिट से आप याद रखोगे तो याद रहेगा. मीटर वाली टर्म है ये, मीटर पर परमिबिलिटी वाली टर्म, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, परमिबिलिटी ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो बच्चे गलती से यूज कर लेते हैं समेशन जेड आई डिवाइड बाई समेशन के आई बाई जेड आई कर लेते हैं, यूनिट चेक कर लेना. ठीक है, आगे चलते हैं. समेशन जेड आई अभी अभी देखा था, टेन जेड था. समेशन जेड आई बाई के आई जेड बाई के पहली लेयर के लिए, दूसरी लेयर के लिए 3z by 3k और तीसरी लेयर के लिए 6z by 6k. तो रिजल्ट आपका यहां से मिल जाएगा, दिस इज 3.33 टाइम्स ऑफ k. ठीक है, तो जो दो रिजल्ट आपके पास में आए हैं उन दो रिजल्ट से kh by kv निकाल लेंगे, दैट इज 4.6k डिवाइड बाय 3.33k. दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.38. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. फिगर्स बनाने की अगर आदत डाल लेते हो तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा.